उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के नेतवा गांव निवासी एक युवक आज सुबह अपनी भिंडी के खेत जा रहा था। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी गंगा घाट पुलिस और परिजनों को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन शव देख कर दहाड़े मार कर रोने लगे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज सुबह नेतवा गांव निवासी मोतीलाल का 19 वर्षीय बेटा राजेश घर में खेत जाने की बात कहकर निकला। इस दौरान वह छम्मक नाली पुलिया के पास रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, तभी वह लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना देखकर आसपास के लोग दौड़े और गंगा घाट पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।